अब ये देखो आप इसमें देखो वो स्थिति दिखाएगी ये चक्रवात की आंख है और इसके चारों तरफ ये परिधि बनेगी लेकिन वास्तविक संरचना कैसे होती है इसको एक बार हम देखो देखें ये ये आपको दिख रहा है ये लो प्रेशर एरिया है ये लो प्रेशर एरिया है जिसको हमने आई दिया आई को चक्षु भी कहते हैं क्या बोलते हैं चक्षु हिंदी में क्या बोलेंगे चक्षु तो ये आई है आई में क्या होता है इस परिधि पर जैसे ये देखा जाए एक गोला दो गोला तीन गोला चार गोला ने एक सर्कल है तो ये सर्कल को हम कहते हैं आइसो बार लाइन्स रेखा और जैसे केंद्र से आगे हम बढ़ते हैं समदाब रेखाओं पर जो वायुदाब की स्थिति वो क्रमशः बढ़ती चली जाती है तो यहाँ पर जो रेखा है इसकी स्थिति इसको हमने दे दिया कि यहाँ पर लो प्रेशर है क्या है लो प्रेशर यहाँ पर लो प्रेशर हो गया इस समदाग्रे और क्रमशः बढ़ता चला जा रहा है तो इस हाई प्रेशर जैसे हमने एक यहाँ पर लाइन ले ली तो यहाँ पर जो स्थिति आ गई और इसके मध्य तो यहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट होगा प्रेशर ग्रेडियंट तो वायु अंतर जिसको मिली बार में हम मापते हैं जो उष्ण चक्रवात होते हैं यहाँ प्रेशर ग्रेडियंट ऑलवेज यानी हमेशा तीस पैंतीस से ऊपर ही रहता है कभी कभी सौ तक पहुँच जाता है तो ये एक चक्रीय प्रणाली है तो इसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं चक्रवात एक चक्रीय वायु संचार प्रणाली होता है चक्रवात एक चक्रीय वायु संचार प्रणाली होता है जिसके केंद्र में निम्न वायुदाब होता है और परिधि पर उच्च वायुदाब फलत वायुदाब प्रवणता के परिणाम स्वरूप परिधि से हवाएं तीव्रता से केंद्र की ओर अभिसरित होती हैं और इस अभिसरण के दौरान यहाँ पर विशिष्ट भौतिक परिवर्तन होता है हवाओं की आर्द्रता में परिवर्तन होता है चूंकि ये सागरी सतह पर चल रही हैं और किस सागरी सतह पर चलेगी कहाँ पर यह विकसित हो रहा है जहां का तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो जाता है सागर की सतह पर वहां निम्नवायु दाब का केंद्र विकसित होता है तो जब ये हवाएं परिधि से केंद्र की ओर जा रही हैं तो बोला कि विशिष्ट भौतिक परिवर्तन करेंगी इस विशिष्ट भौतिक परिवर्तन में क्या होगा उसके आर्द्रता के स्वरूप में परिवर्तन होगा अब मान लो इधर से हवा आई इधर से भी हवा आई दोनों हवाएं अंदर गई और यहाँ चक्रीय गति करके टकराती हैं और टकराने के बाद ये ऊपर उठती हैं जब ऊपर ये उठती हैं तो यहाँ पर एक भौतिक प्रक्रिया होती है भौतिक यानी फिजिक्स के अंतर्गत ये आता है उसको कहते हैं एडियाबेटिक टेम्परेचर चेंद्र तापमान परिवर्तन इसमें क्या होता है कि जैसे हवा ऊपर जाएगी उतनी शीतल होती है और जितनी शीतल होगी उतनी इसकी सापेक्षिक आद्रता बढ़ेगी ये भौतिकी का नियम है तो अगर ये हवा शुष्क है तो इसकी शीतलता दर क्या होगी बहुत ज्यादा होगी कितनी होगी दस डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर अगर आद रहे तो 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर के दर से हवा शीतल होती है और जब शीतल होती है तो उस दौरान जितना शीतल होगी उतनी ज़्यादा संघनन की प्रक्रिया होगी कंडेंसेशन होगा और विशेष प्रकार के बादल बनेंगे विशेष प्रकार के बादल सामान्यतः क्या बनेंगे की निम्बस क्लाउड कपासी वर्षा बादल बनेंगे जो कि भूरे काले भयंकर होते हैं और ये वर्षा के साथ साथ भयंकर तो वर्षा करेंगे लेकिन ये बिजली गरज और चमक भी करते हैं यानी लाइटनिंग और थंडरिंग के साथ हेवी रेनफॉल करते हैं कौन से बादल जो यहाँ पर बन रहे हैं कहाँ बन रहे हैं चक्रवात में और ये देखो ये चक्रवात की आंख है चक्रवात की आंख जो होती है हमेशा शुष्क रहती है ये मध्य में होती है जैसा कि यहाँ मैंने दिखाया वहाँ भी डायग्राम में आपने देखा तो इसका जो आकार होता है चक्रवात की आंख आंख का पैंसठ से 80 किलोमीटर तक मान लिया जाता है लेकिन कभी कभी छोटे होते हैं कभी बड़े होते हैं सामान्यतः तो यह भी देखा जाता है कि 30 से पैंसठ किलोमीटर तक लेकिन कुछ चक्रवातों की आँख छोटी होती है वो मात्र उन्नीस बीस किलोमीटर कुछ मध्यम प्रकार के चक्रवात होते हैं तो 60 पैंसठ से लेकर 80 किलोमीटर तक कुछ बड़े चक्रवात होते हैं जिनकी आँखें काफ़ी बड़ी होती हैं तो कब अभी तक 370 किलोमीटर बड़ी जो है ब्यास वाली चक्रवात की आँख देखी गई है कभी कभी काफ़ी छोटी होती है तो ये चक्रवात के आँख के चारों तरफ ये जो परिधि है इस परिधि से अंदर हवाएं नहीं गुजरेगी यहीं हवाएं आने का प्रयास करती हैं लो प्रेशर के कारण और यहाँ टकराने के बाद जब ऊपर उठती हैं तो रुदोष तापमान परिवर्तन होता है रुद्रष्ट तापमान परिवर्तन होता है तो सापेक्षिक आद्रता तीव्रता से परिवर्तित होती है संगन की प्रक्रिया संपादित होती है और कपासी वर्षा मेघ बनने लगते हैं जिससे बिजली की गरज और चमक के साथ मुसलाधार वर्षा होती है और इसमें देखो ये चक्री पद्धति है जब ये चक्र पद्धति पर क्या लगता है बल लगता है तो ये क्या होता है घूमते हुए एक ट्रैक ले लेते हैं जैसे किसी चीज को आप घुमाते हो जैसे ऐसे किसी पहिए को आपने घुमा दिया तो घूमते हुए आगे की तरफ जाएगा तो वो चक्रवात का ट्रैक होता है और ये ट्रैक तो संबंधित क्षेत्र में उसके लो प्रेशर या निम्न वायु स्थिति पर निर्भर होता है जैसा कि अभी ताउते के संदर्भ में हम देखेंगे अब देखो जो उष्ण कटिबंधित चक्रवात हैं ये उत्तरी गोलार्ध में जब चलेंगे तो इनकी जो घूमने की गति है जैसे इस तरह से वो घूम रहा था अभी आपने देखा एंटी क्लाकवाइज दक्षिण गोलार्ध में क्या घूमेंगे क्लाकवाइज और ये चक्रवात जैसे ये उष्ण कटिबंधी चक्रवात है अगर विश्व के संदर्भ में देखें तो पाँच डिग्री अक्षांश से लेकर तीस डिग्री अक्षांश के मध्य आते हैं सागर सतह पर इसी प्रकार से शीतोष्ण कटिबंधी चक्रवात आते हैं जो चालीस से साठ डिग्री अक्षांशों के मध्य आते हैं लेकिन वो माइल्ड होते हैं वो मध्यम गति के होते हैं वो निर्माणकारी प्रवृत्ति छोड़ते हैं ये विनाशकारी प्रवृत्ति छोड़ता है ये तहस नहस कर देता है ये छोटा होता है और ये इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है जहां तक उष्ण चक्रवातों की टाइप्स यानी प्रकार का अगर हम संदर्श लेते हैं तो अगर इनको हम दो मूल भागों में बांटते हैं वीक साइक्लोन एंड स्ट्रांग साइक्लोन वीक साइक्लोन इन कमजोर साइक्लोन में विक्षोभ आता है औदाव आता है जैसे कि ये अवदाव से विकसित हुआ जैसे हमारे यहाँ पछुआ विक्षोभ होता है पश्चिमी विक्षोभ होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो ये काफ़ी क्षेत्र में होता है और मंद गति से प्रभाव करता है डिप्रेशन थोड़ा स्ट्रांग होगा लेकिन जो स्ट्रांग साइक्लोन होते हैं उससे थोड़े कम प्रभावशाली होता है दूसरी श्रेणी में स्ट्रांग साइक्लोन है यानी जो प्रचंड चक्रवात उसमें दो बातें हरिकेन और टारनेडो तो हरिकेन सामान्यतः हम कहाँ देखते हैं करेबियन सागर में या चीन सागर में और टारनेडो तो जिसको हम बम्डर कहते हैं यूएसए से लेकर हर जगह आते हैं लेकिन यूएसए में इसका प्रभाव ज्यादा होता है अब हम देखते हैं ताउते की स्थिति क्या है देखो इसको थोड़ा ये आपने मैप देख लिया ये भारत का मैप लिया इससे पहले इसको आप देखो देखो ये ये अफ्रीकी महाद्वीप ये अरेबियन प्रायद्वीप है ये इंडिया तो ये अरब सागर ये बंगाल की खाड़ी तो ये इसका ट्रैक बना तेरह मई को ये ट्रैक बनना शुरू हुआ और सत्रह मई देर रात तक ये टकराया है ऊना से अगर भारत की मैप पर हम देखते हैं तो और अच्छी तरह से हमें समझ में आएगा देखें ये यहां पहले ये बना तेरह मई को दिख रहा होगा आपको तो ये सामान्य एक लो प्रेशर था और जैसे लो प्रेशर था हमारी वैज्ञानिक संस्थाओं ने और आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने क्या किया सूचना दे दी कि केरल के सामने लक्षद्वीप से थोड़ा सा और आगे एक निम्न निम्नवायदाब का केंद्र विकसित हो रहा है जो कि एक स्वाभाविक होता है मानसून से पूर्व ये एक स्वाभाविक परिस्थिति होती है और शायद मानसून के लिए अपेक्षित अनुकूलन परिस्थिति भी ये विकसित करेगा क्लियर लेकिन जैसे जैसे तेरह मई आया तो यहाँ एक हल्का सा डिप्रेशन का स्वरूप लेता है और ये स्थिति आ गया तब हमारे यहाँ से आपदा प्रबंधन की टीम को तैयार रहने के लिए कहा गया कि ये निकट भविष्य में खतरनाक चक्रवात बन जाएगा जैसा कि ये बन चुका है इसके बाद चौदह मई को ये एक डिप्रेशन में परिवर्तित हो गया अवदाब में विकसित हो गया 15 मई को ये इंटेंसिफाई हो जाता है अत्यधिक शक्तिशाली हो जाता है और 16 मई को तो अपने सीवियर इफेक्ट को दिखाने लगा अपने केटाइस्टॉफिक इफेक्ट को दिखाने लगा प्रचंडता को जिसके कारण इस इन क्षेत्रों में यहाँ से केरल से लेकर गोवा तक काफी बर्बादी हुई तटीय क्षेत्रों में 16 मई को फिर यह मुंबई को भी प्रभावित किया और 17 मई को यह मैसिव डिस्ट्रक्टिव सुपर साइक्लोन में परिवर्तित हुआ मैसिव डिस्ट्रक्टिव सुपर साइक्लोन में परिवर्तित हो गया जब इसकी स्पीड जो है जो ट्रैक आप देख रहे हो इस ट्रैक पर इसकी स्पीड चलने की जो स्पीड है जैसे कि ट्रैक पर ट्रेन चलती उसी तरह से यह अपने ट्रैक पर भागने लगा और स्पीड एक किलोमीटर प्रति घंटा हो गई तो इसमें जब एक किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से यह भाग रहा है तो जो हवाएं इसके अंदर इंट्रोड्यूस हो रही हैं उसमें जो उद्वोषण तापमान परिवर्तन की स्थिति है वो और खतरनाक हो गई और बड़े पैमाने पर क्यूम्बलस क्लाउड यानी निम्बस निम्बो क्यूम्बलस क्लाउड का फॉर्मेशन यहां होने लगता है और बिजली के गरज और चमक के साथ संबंधित क्षेत्रों में भयंकर अर्थात मूसलाधार वर्षा करने लगते हैं सत्रह मई को देर रात यह पहले बताया जाता था कि ये पोरबंदर से टकराएगा लेकिन ये ऊना से टकराया और यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर बर्बादी तो ये किया है अभी भी हवाएं चल रही हैं और कर रहा है यद्यप कि टकराने के बाद जब ये टकराया तो इसकी स्पीड 170 से 180 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से हो चुकी थी और टकराने के बाद यहाँ तटीय जिलों को पूरी बुरी तरह से प्रभावित किया है जहाँ पर कैजुअलिटी तो अपेक्षा की बहुत कम हुई है क्योंकि हमारी एन और एस की टीम और संघीय सरकार और संबंधित राज्य सरकारों ने बहुत अच्छा प्रयास किया है इस कोरोना काल में भी उनके लिए सलाम है इस कोरोना काल में भी उन लोगों ने इतना अच्छा काम किया जिससे कहा जाता है कि उनके लिए हमारा सर झुकना चाहिए हमेशा आलोचना नहीं करनी चाहिए और कोरोना काल में यह भी देखा गया कि संबंधित राज्यों में जहां जहां इसका प्रभाव है ऑक्सीजन सप्लाई पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव इन सरकारों ने पड़ने नहीं दिया है तो हमने चुनौती को स्वीकारा जब इतनी बड़ी चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं तो इसको भी स्वीकार कर लेंगे यद्यपि जब ये ऊना से टकरा रहा है टकराने के बाद वहां अति तीव्र वर्षण की प्रक्रिया हुई हजारों पेड़ उखड़ गए घरों की बर्बादी हुई और ये बताया जा रहा है कि लगभग यहाँ पर जो गुजरात के तटीय जिले हैं सोलह जिलों और चौरासी तहसीलों में इसने खतरनाक मंजर को प्रदर्शित कर दिया कहने का मतलब अपनी प्रचंडता के कारण खतरनाक प्रवृत्ति को दर्शाया है जो बड़े पैमाने पर पेड़ पौधे भी तहस नहस हुए हैं और निर्माण संरचनाएं भी तहस नहस हुई है लेकिन जो सूचना है इससे ये होता है कि कैजुअलिटी बहुत कम हुई है और इसका प्रभाव जैसा कि आप देख रहे हो ये स्थिति आप देख रहे हो कि ये मध्य मैदान की तक चला गया पंजाब तक इसके कारण राजस्थान के दक्षिणी और मध्यवर्ती जो जिले हैं यहाँ बारिश होने की संभावना और राजस्थान में जो प्रभाव आएगा 18 और 19 को देखा जाएगा इसका और अब ये धीरे धीरे कमजोर हो रहा है इस तरह से ताऊते क्या हो गया सत्रह के बाद धीरे धीरे अट्ठारह उन्नीस तक जाते जाते ये विदा हो जाएगा इसके ट्रैक को थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ एक बार और देखो ये यहां से शुरू हुआ तेरह मई को चौदह मई पंद्रह मई सोलह और सत्रह मई को देर रात ये गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित ऊना जिले से टकराता है जहां बड़े पैमाने पर यह तबाही छोड़ रहा है क्लियर अब जो हमारी प्रबंधन टीम है या जो लोग वहां पर हैं तो जितनी कैजुअलिटी हुई है जो कि बताया जा रहा है कैजुअलिटी बड़ी कम हुई है तो जो कुछ तय हुआ उसको मेंटेन करने के लिए सरकारें कार्य कर रही हैं और आसपास के जो संबंधित लोग हैं वो अभी हाथ बटा रहे हैं लेकिन इस समय बहुत बड़ी चुनौती है कोविड नाइन्टीन के कारण ये चुनौती कई सौ गुना बढ़ चुकी है लेकिन हमारे सुरक्षा बल हमारी सरकारें इसके लिए भरसक प्रयास किए हैं कि कम से कम नुकसान हो क्लियर